हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ गुड़ और सौंठ के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और एनर्जी से भरपूर होते हैं और हमें सर्दी से बचाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मखाना, शुद्ध देसी घी, करार, हल्दी पाउडर, चार चिरौंजी या चार दाना जिस भी नाम से जानते हों, खसखस, पोस्ता, गोंद या गाद, काजू, बादाम, खारक, किशमिश और ये सूखा नारियल लिया है हमने। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो सूखा नारियल का ही यूज़ करना है। और ये गुड़ ले लिया है। ये हमारे यहाँ जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उस समय न्यू मदर को दिए जाते हैं ये लड्डू खाने के लिए, क्योंकि ये लड्डू बहुत ही अच्छे हेल्दी होते हैं और गर्म होते हैं। तो ये हमने गुड़ को बारीक कर लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, खारक और नारियल, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके लिए हमें नारियल ऐसे ही यूज़ करना है, इसको कद्दूकस नहीं करना है, बिल्कुल बारीक नारियल बुरा नहीं चाहिए, इस तरीके से कट कर लें। और गाद यदि बड़ी हो गोंद तो उसको भी छोटा छोटा कर लें। और ये मखाना को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, जैसे एक मखाना के चार पीस कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर टोटल 350 से 400 ग्राम शुद्ध देसी घी का यूज़ किया है, तो थोड़ा थोड़ा घी को गर्म करते हैं। हमने बादाम को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको डीप फ्राई कर लिया है। अब हम काजू और नारियल है इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको डीप फ्राई करेंगे। यदि आपको घी लग रहा है कम तो आप घी और ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से कि इसे घी में अच्छे से डिप हो जाए। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे नारियल और काजू, तो इसको निकाल लेते हैं। ऐसे करने से इस अच्छे से इसको डीप फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स। जब किशमिश पक जाती हैं तो ये फूली फूली दिखने लगती हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने इसको निकाल लिया है। इसके लिए आपको भरपूर घी की ज़रूरत होती है। इसमें हमने खसखस दाना और ये चार चिरौंजी या चिरौंजी दाना जिस भी नाम से जानते हों, तो उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं। तो हमने इसको भी चार चिरौंजी इसको भी गोल्डन ब्राउन कर लिया है। घी में हम कमी नहीं रखेंगे, घी थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाते हैं और अच्छे से सारे के सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको डीप फ्राई करते जाते हैं। ये गाद या गोंद जिस भी नाम से जानते हो आप, तो यदि आपके पास बड़ी गाद हो तो उसको आप छोटा छोटा कर लें, क्योंकि गाद को जब हम डीप फ्राई करते हैं तो ये फूलती है। तो ये छोटी गाद है तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में तो नहीं फूल रही है। तो बारी बारी से हमने सबको कर लिया है। सबसे लास्ट में हम मखाना है, मखाने को भी हम डीप फ्राई करते हैं। मखाना बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम सबसे लास्ट में इसको डीप फ्राई करते हैं। ये भी अच्छे से जब घी में डीप फ्राई हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें ज़्यादा घी में पकाते हैं, तो बहुत अच्छे इसमें क्रंचीनेस आ जाता है। और इसलिए हमने छोटा छोटा इसलिए काट लिया था मखाना को, ताकि बड़े मखाने को डीप फ्राई करने में दिक्कत होता है, छोटे मखाने आसानी से घी में डीप फ्राई हो जाते हैं। तो बारी बारी से सारे के सारे जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किया है फ्रेंड्स, इनको हमें डीप फ्राई करना है। ऐसे करने में हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से क्रंचीनेस हो जाते हैं। थोड़ा सा घी ले लिया है कढ़ाई में बचा हुआ था, तो उसमें हमने ये करार है, करार ये तिल होती है, तिल टाइप की दिखती है, जैसे काली तिल रहती है ना उसी टाइप से करार होती है। करार गर्म होती है। और हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। हल्दी पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा डाल सकते हैं। एक्चुअली मैं मुंबई में रहती हूँ तो यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं है, तो इसलिए कम क्वांटिटी में हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। अब उसी कढ़ाई में हमने और घी ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, और ये जो गुड़ है गुड़ को इसमें मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम स्लो करके इसको गर्म करना है। जैसे कि मेरी माँ तो ऐसे गुड़ को अच्छा बारीक कर लेती हैं, उसमें घी वगैरह डालते हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हैं, जो भी हमने डीप फ्राई किया है ड्राई फ्रूट्स, बट मुझे ये वाली मेथड ज़्यादा बेस्ट लगती है। इसके लिए गुड़ को हल्का सा मेल्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने गैस से भी उतार लिया है, बस हल्का सा इसको गर्म करते हैं तो ये जो गुड़ है ना, गुड़ की पूरी गठान वगैरह सब दूर हो जाती है। और ये जो गुड़ है इसको हमको एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए गैस पे मीडियम टू स्लो फ्लेम करके
गरम करना है ताकि ये गुड़ अच्छे से हमारा घुल जाए और जितना भी इसके गांठ वगैरह हैं सब दूर हो जाए। तो ये घी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम फ्रेंड्स सौंठ डालेंगे। सौंठ आप स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा ऐड करते हैं सौंठ तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। नहीं, जब ये गर्म था उसी समय हम इसमें सौंठ ऐड कर देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ठंड की सीज़न में इसको ज़रूर इंजॉय करें फ्रेंड्स। और जब ये हमारा गुड़ अच्छा ठंडा हो गया है, जब चिपचिपाए ना, ठंडा होने के बाद इसमें हम सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स को हमने डीप फ्राई किया है पूरा इसमें मिक्स कर देते हैं। ठंडा करने के बाद जब इसमें हम मिक्स करते हैं ना, तो ये हमारे जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो ये हमारे बढ़िया से क्रंचीनेस इसमें बने रहते हैं। यदि हाँ आपके घर में बच्चे या बूढ़े जिनके दांत वगैरह खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप गरम गरम में ही, आप जब गरम रहे उसी समय मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको घी की कमी नहीं रखना है और ड्राई फ्रूट्स बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स यदि कम होंगे ना तो आपके लड्डू गोड़े गोड़ के ही लगेंगे। इसमें मेन ड्राई फ्रूट्स का ही मज़ा है। तो फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और फुल एनर्जी से भरपूर। हमारे यहाँ पर ये न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उस समय न्यू मदर को दिया जाता है ये लड्डू। इन लड्डू को ठंड के सीजन में एंजॉय करें। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और एनर्जी से भरपूर होते हैं जो कि ठंड से आपको बचाते हैं। तो फ्रेंड्स जल्द ही हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।